everyone, in this video we will learn how to do a basic figure drawing in just 4 to 5 simple steps. और इसमें आगे हम कुछ टिप्स एंड टेक्निक्स भी शेयर करेंगे विच विल मेक योर ड्राइंग जर्नी अ लॉट मोर इजी. तो लेट्स गेट स्टार्टेड. उसमें पहली चीज सबसे ये आती है, हम बहुत सारी चीजों में इग्नोर कर देते हैं, जैसे विच इज आवर स्टांस, कि हमने किस स्टांस पे खड़े होकर या बैठकर काम करना है. फॉर एग्जाम्पल, इफ यू आर सिटिंग, जमीन पे बैठ के अगर आप काम करें, सो यू हैव टू मेक योर ड्रॉइंग बोर्ड, उसके पीछे आपको कोई चेयर रखनी है या कोई टेबल रखना है, एनी काइंड ऑफ सपोर्ट यू हैव टू डू, और आपका बोर्ड बिल्कुल स्ट्रेट होना चाहिए आपके सामने. इसी तरह अगर आपको खड़े होकर काम कर रहे हैं, फॉर फिगर ड्रॉइंग आई पर्सनली प्रेफर कि आप खड़े होकर ड्रॉइंग करें, विच वुड बी ईजियर. और आपको थोड़ा सा बार बार जब आप एंगल्स लेते हैं तो आपको थोड़ा डिस्टेंस पे जाकर अपने एंगल्स को चेक करना पड़ता है, तो जब बैठ के करते हैं वो फिर उसके लिए मुश्किल हो जाता है. अच्छा, खड़े होकर काम करने के लिए आप चेयर रख सकते हैं, चेयर का सपोर्ट ले सकते हैं, टेबल रख सकते हैं, उस पर किसी और चीज़ का सपोर्ट रखते हैं, या फिर सबसे इम्पोर्टेंट और सबसे ईजिएस्ट वे है एन ईजल. नॉर्मल मिल जाता है मार्केट में. इफ यू एन आर्ट स्टूडेंट यू मस्ट हैव एन ईजल एंड अ ड्रॉइंग बुक. ठीक है, जब आपके पास ईजल है तो आपके ईजल में डिफरेंट सेटिंग्स होती हैं. अगर आपके पास ईजल है तो आप बैठ कर भी ड्रॉइंग करें, उसके लिए भी आपको बोर्ड को पकड़ के रखने की जरूरत नहीं है, बोर्ड को कहते हैं ना चेयर को भी रखने की जरूरत नहीं है. यू जस्ट हैव टू मेक इट अ सेटिंग. इसमें डिफरेंट सेटिंग्स होती हैं, 1, 2, 3, आप डिफरेंट नीचे से भी सेटिंग्स होती है इसके पायर से, तो आप उनको डिफरेंट सेटिंग्स पे करके नीचे भी कर सकते हैं और ऊपर भी कर सकते हैं, जस्ट लाइक अ ट्राइपॉड भी. तो इट वुड बी इजियर टू यू अगर आपके आई लेवल पे आपका बोर्ड हो और आपने सामने रख के हमेशा ड्रॉइंग करनी है. कभी भी गोद में रख के ड्रॉइंग करना इज नॉट विजिबल व्हेन यू आर ऑब्जर्विंग अ पर्सन स्टैंडिंग इन फ्रंट ऑफ यू. ठीक है, जब भी आप किसी को ऑब्जर्व कर रहे हैं आपने गोद में रख के काम नहीं करना, ना ही सर उठा उठा के बार बार देखना. यू हैव टू स्टैंड इन फ्रंट ऑफ द मॉडल और आपके राइट साइड पे आपका मॉडल होना चाहिए, यानी कि इफ यू आर आप राइट हैंडेड हैं, यू हैव टू ड्रॉ लाइक दिस और आपके राइट हैंड साइड पे लाइक यहाँ पर इस स्टांस पे मेरा मॉडल होना चाहिए कि मुझे अपना हेड बार बार मूव ना करना पड़े मॉडल को ऑब्जर्व करने के. फॉर एग्जाम्पल, अगर मेरे लेफ्ट साइड पे मॉडल बैठा है और मैं यू करके बार बार देख रही हूँ तो इट वॉन्ट बी ईजियर फॉर मी टू ऑब्जर्व. तो जब मैंने ऐसे काम करना है, अगर मॉडल मेरे सामने है तो इट वुड बी ईजियर कि मुझे अपना हेड बार बार मूव नहीं करना पड़ रहा है, जस्ट मुझे अपनी आंखों को मूव करना पड़ रहा है बार बार. ठीक है, ये आपका बोर्ड हो और यहाँ पे आपका बोर्ड आपके सामने हो, आपकी राइट हैंड. इफ यू आर लेफ्ट हैंडेड तो फिर थोड़ा सा चेंज हो सकता है. दूसरी जो बहुत बड़ी गलती हम करते हैं वो ये करते हैं कि हम अपना एंगल नहीं ठीक रखते. जब आप मेजरमेंट ले रहे हैं, आप प्रोपोर्शंस ले रहे हैं, आप मॉडल की एंगल्स ले रहे हैं, यू हैव टू बी इन योर एंगल. आपकी जो एल्बो है उसका एंगल बिल्कुल स्ट्रेट होना चाहिए. मोस्टली जो स्टूडेंट्स में मैं मिस्टेक देखती हूँ, ये देखती हूँ कि हम मेजरमेंट ले रहे हैं तो यहाँ पर तो ले रही यूं करके ले रहे हैं. नो, जब तक आपकी ये चीज स्टिफ नहीं होगी, स्ट्रेट नहीं होगी आपकी एल्बो, आपकी मेजरमेंट कभी भी ठीक नहीं आएगी, या तो ज्यादा आएगी या तो कम आएगी, कभी भी ठीक नहीं आएगी. ठीक है, यू हैव टू योर एल्बो हैव टू बी वेरी स्ट्रेट एंड स्टिफ. फिर जैसे भी आपने मेजरमेंट लेनी है अपने मॉडल की, उस हिसाब से हमने इस पे जाना. ठीक है, तीसरी जो गलती हम करते हैं वो ये करते हैं कि हमने बोर्ड रखा, शीट लगाई और ड्रॉइंग शुरू कर दी. गिव सम टाइम टू योर सेल्फ टू ऑब्जर्व द मॉडल. सबसे पहले अपना बोर्ड रखिए, शीट लगाएं, आराम से पेंसिल हाथ में पकड़ के मॉडल को ऑब्जर्व करें. You have to observe it at least 5 to 6 minutes. आराम से तसल्ली से ऑब्जर्व करें, उसके एंगल्स देखें, उसके postures देखें, वो कैसे बैठा है, कैसे खड़ा है, उसके एंगल्स क्या बन रहे हैं, उसके फेशियल एंगल्स क्या बन रहे हैं, वो मस्क्यूलर है या स्किनी है, वो ओल्ड है या यंग है. डिफरेंट ऑब्जर्वेशन अपने माइंड में चलानी है और बैक ऑफ द माइंड आपने पहले स्केच बना लेना है कि ये स्केच मैंने अपने माइंड में बना ली है, ओके नाउ आई कैन ड्रॉ इट. इस हमेशा हम ये टिप भूल जाते हैं और फिर वो हमें आगे जाके मसला होता है जब हम ड्राइंग शुरू करते हैं. सबसे पहले तो आपने अपने मॉडल को अच्छी तरह से ऑब्जर्व करना है कि उसके एंगल्स क्या हैं, उसके अंदर कितनी मेजरमेंट आ रही होगी. ठीक है, अब आगे हम फर्दर अपने पेपर पे चलते हैं और देखते हैं कि हम फिगर ड्राइंग को कौन से 4 बेसिक स्टेप्स को कवर करते हुए अचीव कर सकते हैं. नाउ व्हाट वी हैव टू डू इज लेट्स फर्स्ट टेक अ सेंटर पॉइंट ऑफ योर पेज.
आप A3 पे बना रहे हैं, A4 पे बना रहे हैं, 2x3 feet पे बना रहे हैं, यू जस्ट हैव टू फर्स्ट मेक इट सेंटर पॉइंट. ठीक है, अपनी कॉम्पोजिशन पहले हमने प्रिपेयर करनी है कि हमने उसे कहाँ पर कंपोज करना है. फॉर एग्जाम्पल मैंने सेंट्रलाइज किया इसे कि मैं यहाँ पर कंपोज करूँ. ठीक है, हमने सबसे पहले तो आप लोग क्योंकि बिगिनर्स के तौर पे आप स्केल्स भी यूज़ कर सकते हैं, नहीं तो आप फ्री हैंड भी हमने एक क्रॉस करना है. ठीक है, स्ट्रेट और फिर ऊपर से एक अंदाजन एक हेड की मेजरमेंट छोड़ के हमने लाइंस लगा देनी है. ठीक है, यहाँ पर हमने बनाना क्रॉस. उसके बाद हमने देखना ये है कि जैसे मैंने हेड्स का बताया है, ठीक है, अब हमने हेड्स की मेजरमेंट लेनी शुरू करनी है कि कैसे एक हेड इतनी सी पेंसिल के पॉइंट के बैक साइड की पॉइंट में कितनी बार रिपीट हो रहा है हमारे पास उसकी बॉडी में. नाउ वी विल टॉक अबाउट दैट हाउ टू टेक मेजरमेंट. ठीक है, ऑफ अ फिगर. यहाँ पर हमारे पास ड्राइंग के टाइम पे एक पेंसिल होती है. ठीक है, हमने क्या करना है, अपनी पेंसिल को मेजरिंग स्केल बना लेना है. ठीक है, मेजरिंग स्केल कैसे बना लेना है, लाइक हमने अपनी पेंसिल की बैक साइड पे अपना हाथ रखना है, अपना थंब रखना है और अपने मॉडल की तरफ स्टिफ करके अपनी आर्म को देखना है कि उसका जो हेड है फ्रॉम टॉप टू चिन, लाइक फ्रॉम द टॉप ऑफ द टॉप ऑफ हिज हेड टू द बॉटम ऑफ हिज चिन, कि कितना हमारे पास उसका हेड हमारे पेंसिल की बैक में कवर हुआ है. यहाँ पर ये पेंसिल हमारा मेजरिंग स्केल का काम करती है. ठीक है, हमने सबसे पहले देख लिया कि इतना आ रहा है. फॉर एग्जाम्पल इतना हमारे पास हमारी पेंसिल में उसका हेड आ रहा है. ठीक है, अब हमने ये देखना है कि हमारे मॉडल में उसका हेड कितनी बार रिपीट हो रहा है. एक तो हेड हो गया जो हमने मेजर किया. ठीक है, यहाँ से स्टार्ट करेंगे 1, 2, 3, 4, 5, 6 करते करते हम पूरा उसको हेड से लेके फुट तक मेजर कर लेंगे. तो अब जैसे हमने मेजरमेंट ली अपने हेड्स की कि कितनी बार एक बॉडी में हेड रिपीट हो रहा है. फॉर एग्जांपल हमने यहाँ से लेके यहाँ तक एक हेड को मेजर किया था जो कि यूँ आ रहा है. ठीक है, अब हमने करना ये है कि उसी तरह जैसे हमने वहाँ पर ली थी, अब हमने अपने स्केचबुक के बेशक कॉर्नर कोई भी ले लें, यहाँ पर हमने एक ब्लॉक बनाना है. फॉर एग्जाम्पल हमने वहाँ पर जो मेजरमेंट की थी हम उसे यहाँ पर भी मेजर कर लेंगे कि जी जो मॉडल का हेड है वो इतना आ रहा है. ठीक है, बट ऑब्वियसली हम इतना हेड तो नहीं यहाँ पर बना सकते, हमने अपने अंदाजे से एक हेड रखा है यहाँ पे हमारी शीट के अंदाजे से. जितनी हम शीट यूज़ करें जितना हमारा सरफेस है हमने उसके अंदाजे से अपना हेड क्रिएट यहाँ पर मेजर करना है. ठीक है, अब ये हमने वो वाला हेड मेजर निशान लगा लिया जो हमने मॉडल को देख कर किया है और यहाँ पर अब हम इसी के आगे अपने जो हमने मॉडल का हेड मेजर किया है वो हम लगा लेंगे. वो तकरीबन ये पूरा आ रहा है. ठीक है, यानी कि इसको अगर हम 3 times करेंगे तो हमारे पास एक ये वाला हेड जाएगा, यानी कि उस हेड को हम 3 times करेंगे. ठीक है, फॉर एग्जाम्पल अब हमने सिर्फ इसको माइंड में रखना है और इस हेड को माइंड में रखना है. तो हमने वापस इस हेड की मेजरमेंट ली जो हमने मॉडल का नाप मॉडल का लिया था मेजर, हमने उसको मेजर किया कि कितनी बार उसका हेड उसकी बॉडी में रिपीट हो रहा है. फिर हमने यहाँ से अपने पेपर वाले हेड की मेजरमेंट उठाई, यहाँ से उठा लें या यहाँ पर आपने निशान लगाया वहाँ से उठा लें. फिर हमने मेजर करना शुरू कर देना है, एक हेड आया, 2 heads आए, 3 heads आए, 4, 5, 6, 7, 8. ठीक है, एक नॉर्मल ह्यूमन बॉडी जो होती है उसमें 6 to 8 heads के दरमियान एक बॉडी होती है. ठीक है, मतलब जितनी बार हेड रिपीट हो रहे होंगे, फॉर एग्जांपल एक नॉर्मल ह्यूमन बॉडी में 6 to 8 times हेड रिपीट होंगे. ठीक है, वो कुछ स्पेशल फैशन ड्राइंग वगैरह में कुछ फिगर्स होते हैं जो थोड़े से लॉन्गेटेड होते हैं उनके अंदर हम 8 to 9 भी चले जाते हैं, बट मोस्टली में 6 to 8 के दरमियान में रहते हैं. ठीक है, सबसे पहले हमने हेड्स की मेजरमेंट कर ली कि कितनी बार एक एक हेड हमारा आ रहा है इसके अंदर हमारी बॉडी के अंदर. ठीक है, फिर हमने निशान लगा देने. निशान कैसे लगाना है, एक हेड की कितनी बार देर बाद जॉइंट आ रहा है, कितनी दूसरा जॉइंट कहाँ पर. अब हमें इसे जॉइंट्स से लेकर चलना है. ठीक है, सबसे पहले हमने देखना है कि इसके बाद हमारा दूसरा जॉइंट कहाँ आ रहा है मॉडल के, उसकी एल्बोज कहाँ आ रही है, उसका शोल्डर पॉइंट कहाँ आ रहा है. सॉरी, तो सबसे पहले ये हेड था. ठीक है, यहाँ पर हमने थोड़ा सा नेक का पॉइंट छोड़ दिया जो कि वहाँ पर हमारे पास मॉडल का ऑलरेडी दिख रहा होगा. फिर हमने देखना है अपने मॉडल में देखिए कि कहाँ पर हमारे पास शोल्डर का पॉइंट आ रहा है. ठीक है, ये हमने लगा दिया एक शोल्डर का पॉइंट.
ठीक है, फिर हमने देखना है कि कितने हेड्स नीचे जाएंगे अपने मॉडल के, तो हमारे पास उसकी एल्बोज का जॉइंट आएगा, ठीक है, अगर वो सीधा खड़ा है तो हमने देखा कि कितने नीचे जाके आएगा, फॉर एग्जाम्पल आई थिंक 1.5। तो हमने यहाँ पर अभी क्योंकि मेरे सामने मॉडल नहीं है तो अंदाजे से मेरे ख्याल से यहाँ पर उसकी एल्बोज आएंगे, ठीक है। इसी तरह जब हमने नीचे जाना है और तो हमने रिस्ट का जॉइंट देखना है, ठीक है, और अपनी थाइस से ऊपर का जॉइंट देखना है। तो वो कहाँ से, अब वो कहाँ पे आ रहा है, जब हमारे पास ये एल्बोज का जॉइंट आ गया तो यहाँ पर हमारे पास रिस्ट का जॉइंट आ गया। इसी तरह हमने डिफरेंट हेड की मेजरमेंट लिए हैं, अभी तो मैं अंदाजन बता रही हूँ क्योंकि आई डोंट हैव अ मॉडल, बट जब आपके सामने एक मॉडल बैठा है तो आपको उसकी डिफरेंट मेजरमेंट लेकर कि कितने हेड्स रिपीट होंगे तो उसकी एल्बो का जॉइंट आएगा, कितने हेड रिपीट होंगे तो उसकी नीज का जॉइंट आएगा। अब यहाँ पर मेरे पास एक डेढ़ हेड रिपीट हो रहा है तो मेरे पास नीज का जॉइंट भी आ गया, ठीक है, यूं ही मेरे पास क्या कहते हैं ना टखनों का जॉइंट भी आ गया मेरी एंकल्स का, और साथ ही मैंने पाँवों का निशान लगाया और ये मेरी मेजरमेंट यहाँ पर ख़त्म हो गई, ठीक है। अब मैंने किया क्या है, डिफरेंट हेड की एंगल्स को लेकर, डिफरेंट हेड की मेजरमेंट को लेकर अपने डिफरेंट निशान लगा लिए, पॉइंट्स बना लिए कि जी ये मेरा शोल्डर होगा, ये मेरी एल्बोज होंगी, ठीक है, ये मेरी रिस्ट्स के जॉइंट्स होंगे, ठीक है, ये मेरे नीज के जॉइंट्स होंगे और ये मेरी एंकल्स के जॉइंट्स होंगे, ठीक है। हमने जॉइंट्स बना लिए, ये हमारा हेड हो गया, ठीक है। अब हमने नेक्स्ट स्टेप में क्या करना है कि हमने इन जॉइंट्स को कंबाइन करके एक स्टिक फिगर बनाना है। अभी हमने उसकी कर्व्स नहीं देने, अभी हमने जस्ट एक स्टिक फिगर खड़ा करना है, ठीक है। जैसे हमने अभी पहले डिस्कस किया कि हमने एक स्टिक फिगर खड़ा करना है अपने पॉइंट्स के हिसाब से, ठीक है, उसी तरह एग्जैक्टली मैंने वैसे ही किया है, डिफरेंट पॉइंट्स लगाए थे मैंने अपने मेजरमेंट पे जो अभी हमने बनाई है, ठीक है, और उन पॉइंट्स को मैंने सिंपल एक पॉइंट को दूसरे पॉइंट से मिला दिया है सिंपल स्ट्रेट लाइंस के थ्रू। कुछ भी एक्स्ट्रा नहीं किया है मैंने, कुछ भी एक्स्ट्रा नहीं किया है, सिंपल एक स्ट्रेट लाइंस के थ्रू हमने जस्ट अपने फिगर को खड़ा कर दिया। यहाँ पे हमने ये पॉइंट लगाए थे तो इस पॉइंट को हमने नीज के पॉइंट से जोड़ दिया, ठीक है। इसी तरह यहाँ पे एंकल्स के पॉइंट्स लगाए थे, हमने एंकल्स के पॉइंट्स को नीज के पॉइंट से जोड़ दिया, ठीक है। पॉइंट से पॉइंट तक मैं आपको समझाना चाह रही हूँ कि कितना ईजी है एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट को मिलाते हुए, जॉइंट्स को कंबाइन करते हुए। सिर्फ हमने क्या किया है, हेड की मेजरमेंट ली, उनको जॉइंट्स के हिसाब से हमने देखा कि कहाँ कहाँ पे कौन कौन सा जॉइंट आ रहा है हेड में, हेड रिपीट करते हुए, और उनके पॉइंट्स लगा लिए, और अब उन पॉइंट्स को हमने सिंपल एक स्टिक फिगर की मदद से खड़ा कर लिया, ठीक है। अब इससे आसान क्या तरीका होगा एक फिगर को खड़ा करने का, ठीक है, ये हमारे पास एक सिंपल स्टिक फिगर खड़ा हो गया, ठीक है। अब हमने इसको कर्व देना शुरू करना है, ठीक है, सिंपल कर्व्स, बहुत ज़्यादा हमने डिटेल्स में नहीं जाना क्योंकि अब इट डिपेंड्स ऑन द मॉडल के क्या प्रोपोर्शंस हैं। फिलहाल जो हमारे पास मॉडल अवेलेबल है हम उसके हिसाब से करें। फॉर एग्जांपल जैसे हम शोल्डर्स की बात करते हैं तो शोल्डर्स थोड़े से मस्कुलर हैं तो यहाँ पे मस्कुलर से कर्व्स आ जाएंगे, ठीक है। इसी तरह से यहाँ पे थोड़े से मस्कुलर से कर्व्स आ जाएंगे, यहाँ पे एल्बोज के निशान आ जाएंगे, यहाँ पे थोड़े से कर्व आएंगे, कमर की खम आएगा, ठीक है, इसी तरह से थाइस थोड़ी बल्की होंगी, पूरा हमने इसी तरह से इसको कर्व दे देने हैं। यहाँ पर जो बीच में लाइंस आ रही हैं, फॉर एग्जांपल इफ यू डूइंग अ न्यूड फिगर देन, ठीक है, उस तरह से हमने पूरा इसको कर्व में कन्वर्ट कर दिया। तो यहाँ पर मैंने नीचे की लाइंस थोड़ी सी ज़्यादा वो हो रही थी, उनको अरेज करके मैंने कर्व वाले फिगर को उभारा है, एग्जैक्ट वैसे ही स्टिक फिगर को खड़ा किया हुआ है। मैंने नीचे आपको हल्की हल्की लाइंस नज़र आ रही होंगी, नीचे स्टिक फिगर को खड़ा किया हुआ था, उसके ऊपर जस्ट मैं उसके हिसाब से जो मॉडल है मेरे पास मैं उसके कर्व देती गई हूँ कि क्या क्या उसके कर्व नज़र आए। इसी तरह से जब हम एक क्लॉथ बना रहे होंगे यानी कि ड्रेपरी के साथ किसी फिगर को बना रहे होंगे तो हमने उसमें ये करना होगा बेसिकली कि हम अब यहाँ पर हमने क्या देखा है, यहाँ पर हमने क्या देखा है, हमने क्योंकि न्यूड है हमने उसके मसल्स देखे, ठीक है। जब आपका फिगर न्यूड नहीं होगा, उसने वो क्लॉथ्स होगा, उसने कपड़े पहने होंगे तो हम उसके कपड़ों के फोल्ड्स देखेंगे, ठीक है, हम उसके कपड़ों के फोल्ड्स के हिसाब से उसकी मूवमेंट उसको कर्व्स देंगे।
यहाँ पर मैं आपको सिंपल एक एनाटॉमी वाले फिगर का, मस्कुलर फिगर के बारे में डिटेल्स हम डिस्कस कर रहे थे कि कैसे हमने उसको सिंपल एक फॉर्म दे दिया, फिर बाकी आगे हम उसको जितनी डिटेल्स देते रहना चाहें देते जाएं, चाहे हम इसके अंदर लाइंस के साथ ही डिटेल्स दे दें, चाहे हम इसके अंदर शेडिंग कर दें, डिफरेंट एंगल्स से बनाएं, ये फिर आपकी अपनी उसके ऊपर से। लेकिन एक बेसिक फिगर खड़ा करना इज मोस्ट डिफिकल्ट टास्क। कभी हमारे एंगल्स खराब हो जाते हैं, कभी हमारी मेजरमेंट खराब हो जाती है, हेड छोटा रह जाता है, बॉडी बड़ी हो जाती है। ठीक है, एक चीज जो मैंने शायद मैं आपको बताना मिस कर गई हूँ, विच इज कि जब हम हेड की मेजरमेंट वर्टिकल ले रहे होते हैं तो हमने हॉरिजॉन्टल भी लेनी है। हॉरिजॉन्टल कैसे लेनी है, जो ये हमारा सेंटर पॉइंट बन रहा है हमारी नेक के और हेड के नीचे, यहाँ पे वहां पर हमने अपने हेड की मेजरमेंट लेकर देखना है कि हमारे मॉडल का इस तरफ हेड कितना आ रहा है लाइन से और लाइन के इस तरफ कितना आ रहा है, यानी कि सेंटर वाली लाइन को हमने फोकस करते हुए जाना है। और ठीक है, सेंटर वाली लाइन को फोकस करते हुए हमने देखना है कि हमारे मॉडल का जो हेड है, जो इतना सा हमने मेजर किया था, वो कितना लाइन के इस तरफ है और कितना सेंटर पॉइंट के उस तरफ है। जो हमारा मॉडल होगा उसकी ये वाली लाइन से हम मेजर करेंगे, यानी कि जो हेड की मेजरमेंट ली है उसके यहाँ से हम देखेंगे इधर को कितना है और इधर को कितना है। इसी तरह जो हमारा ड्राइंग में मॉडल खड़ा होगा, हम उसमें देखेंगे कि हमारे मॉडल का जो हेड है वो यहाँ से कितना आ रहा है और यहाँ से कितना आ रहा है। मोस्टली मोस्ट ऑफ द ड्राइंग में जो हमारे शोल्डर्स पे हमारा एक एक हेड आता है दोनों, यानी कि एक हेड इस तरफ आता है और एक हेड इस तरफ आता है। कुछ बहुत मस्कुलर या कुछ डिफरेंट प्रोपोर्शन वाला अगर कोई नॉर्मल इंसान हो तो उसकी थोड़ी सी ज्यादा भी आ जाती है, 1.5 भी आ जाता है अक्सर, लेकिन मोस्टली वन हेड एक तरफ और वन हेड दूसरी तरफ, यानी कि दो हेड आते हैं टोटल। ठीक है, सो दीज वर द बेसिक की पॉइंट्स जो मैं आप लोगों से डिस्कस करना चाह रही थी अबाउट फिगर ड्राइंग। फिगर ड्राइंग की जितना हम अंदर जाते जाएंगे बहुत डिटेल्स हैं, बहुत ये कहते हैं ना मुश्किल चीजें भी हैं जिनको हम आसान करके कर सकते हैं, बट इट ओनली नीड्स प्रैक्टिस। आप जितनी प्रैक्टिस करेंगे आपको उतनी ही इसमें कमांड हासिल होगी। ठीक है, डू अलॉट ऑफ प्रैक्टिस। आपके पास मॉडल्स नहीं अवेलेबल, आप खुद शीशे में अपने आप को देख कर ड्रॉ करें। ठीक है, सो जितनी प्रैक्टिस कर सकते हैं आप करें, क्विक स्केचेस करें, विंडो में खड़े हो जाएं, जो लोग नीचे से गुजर रहे हैं उनको क्विकली बनाएं, जस्ट टू अंडरस्टैंड द एंगल्स एंड प्रोपोर्शंस ऑफ अ ह्यूमन बॉडी।